अब इस कार्ड में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक से ज्यादा फिगर है क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप देखिए सो दिस फिगर इज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टैंडिंग फिगर है देन यू सी दिस सो देन देर इज अनादर फिगर जो कि क्रॉल कर रहा है तो चीजें क्या हो रही है चीजें बदल रही है अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, ये अलग अलग एनर्जीज को डिनोट कर रहे हैं जो कलर्स लिए हैं वो कलर्स सारे आपके चक्रा के कलर्स हैं सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इट ट्राइंग टू कन्वे जो फिगर आप इस कार्ड में देख रहे हैं बींग बोर्न न्यू एक नया इमरजेंस है या एक नया अवतरण है आप कह सकते हैं कहाँ से आया है अपनी अर्थ बाउंड रूट से और धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा है उड़ने के लिए तैयार हो रहा है और जब उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई बंधन नहीं है जो उसकी उड़ान को रोक पाए राइट ज्योमेट्रिक शेप्स जो आप देख रहे थे ये कई सारे डायमेंशन हैं लाइफ के जो कि अवेलेबल है स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये जानना जरूरी है देखिए स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है फिजिकल को द मैनिफेस्ट द नोन जो चीज हम जानते हैं सर्कल रिप्रेजेंट करता है अनमेनेफेस्ट को और सर्कल ऊपर है अनमेनिफेस्ट को उस स्पिरिट को वो प्योर स्पेस को जहां हम सब जाना चाहते हैं ट्राइंगल सिंबलाइज करता है थ्री फोल्ड नेचर ऑफ द यूनिवर्स पहला क्या है मैनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट एंड द ह्यूमन बींग जो दोनों कंटेन करता है तो यानि के फिजिकल चीजें डिवाइन चीजें और बीच में ह्यूमन बींग जिसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। नाउ यूर प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू सी लाइफ इन ऑल डायमेंशन फ्रॉम डेप्थ टू हाइट्स और दोनों ही साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह जाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं होता दोनों साथ साथ चलती हैं और ये आपको कैसे पता चलता है एक्सपीरियंस से पता चलता है जैसे कि अंधेरे को रोशनी की उतनी ही जरूरत होती है और हम उसे उतना ही आसान बना चुके हैं स्विच के माध्यम से जैसे ही अंधेरा होने लगता है हमें तो स्विच दबाना है लाइट, तो ये चीजें इसका मतलब साथ साथ चलती हैं तभी ये डिस्कवरीज हुई है डिस्कवर करने वाले भी ह्यूमन बीइंग्स ही थे तो जब आप अलाउ करोगे लाइफ के कलर्स को पेनिट्रेट होने में यू अलाउ, लेट लाइफ फ्लो द वे इट इज। और आप कभी भी अगर आप रीड करो तो जितने भी ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स या साइंटिस्ट रहे हैं दे नेवर हैड अ नॉर्मल लाइफ चाहे आप आइंस्टाइन जैसे लोगों को ले लो जो कि क्लास के बाहर रहे हैं काफी समय तक ही वॉज लिटरली पनिश्ड उन्हें पनिश किया जाता था क्योंकि उन्हें ये माना जाता था कि उनका ब्रेन उतना अच्छा नहीं है कि वो क्लास में कंपीट कर सके चाहे आप कोई भी जितनी भी डिस्कवरीज हुई है आप ले लो किसी भी एक के बारे में आप पढ़ोगे एंड यू विल कम टू नो कि उनकी लाइफ साधारण नहीं थी और वो अपनी ही दुनिया में रहते थे एंड दे अलाउड लाइफ टू पेनीट्रेट थ्रू दैम जो आज हम पढ़ते हैं ब्रेल जो ब्लाइंड स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं इनफैक्ट जो ब्रेल लेटर्स हैं दो वर्ड इज कवर्ड बाय फीमेल हु सी हु लॉस्ट हर तो अगर आप ये देखो उन्होंने क्या किया उन्होंने अंधेरे को ही एक माध्यम बना के लाइफ को उससे पेनिट्रेट करने दिया शी रियलाइजर स्ट्रेंथ उन्होंने स्ट्रेंथ क्या रियलाइज की कि अगर उन्हें कलर्स नहीं दिखते उन्हें चीजें महसूस होती हैं। सो दट इज हाउ दो वो कि वो महसूस करके उसे पढ़ सके तो वही पांच सेंसेस हैं उसे कैसे यूटिलाइज करना है ये उन्होंने चुना फिर जब आप पूरी तरह से खुल जाते हो तो यूनिवर्स अलाउ करता है टू लाइट टू फ्लो थ्रू यू। तब आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हो तब बहुत सारी आप में चेंजेस आ चुके होते हैं वो इनसाइट इतना हो चुका होता है कि पूरी एग्जिस्टेंस को समझ सके तब आप अलग नहीं रहते हो देन यू हैव फाउंड योर रूट्स आज की डेट में आप देखोगे जो लोगों को हम वर्शिप करते हैं आप जिनके भी नाम लीजिए जैसे अभी हम गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं तो ही वॉज ऑल्सो एनलाइटन ही फाउंड दिस ही अलाउड दैट लाइफ टू फ्लो थ्रू हिम ही हैड सो मेनी क्वेश्चन जब उन्होंने सफरिंग्स देखी थी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे एजिंग क्यों होती है डेथ क्यों होती है फिजिकल पेन क्यों है क्यों है आसपास? तो वो तो ये जवाब ढूंढने निकले थे और जवाब ढूंढने की उसमें जब उन्हें बाहर से जवाब नहीं मिला सो ही डिसाइडेड टू लुक हिमसेल्फ एंड दैट इज व्हेन ही एक्चुअली फाउंड द ट्रूथ तो इसलिए जब आपको खुद से कनेक्ट करना है उस लाइट को आपने फ्लो करने देना है तो जाके आप अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे और फिर आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा आप हर चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे नहीं तो होता क्या है हम लोग जो जीवन अभी व्यतीत करते हैं उसमें हमें कुछ पता ही नहीं चलता एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं कहाँ जा रही हैं। हम खुद परेशान हो जाते हैं हम ड्रेन हो जाते उन एनर्जीज के कारण से कि अच्छा किसी ने ऐसे किया और देखो अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है अभी ऐसे हो रहा है अभी वैसे हो रहा है बट देन वट इज हैपनिंग इज फिजिकली वो तब मैनिफेस्ट हो रहा है अगर हम उसे अपने अंदर आने दे रहे हैं सो दैट इज वॉट वी नीड टू रियलाइज हमारा हार्ट जो है एनर्जी रिसीव करता चला जाता है बिना जाने की कहाँ से आ रही है और हमारी बॉडी उसे अलाउ करती है कि वो फ्लो करती रहे तो ना ही बॉडी ना ही माइंड इट इज समथिंग ट्रांसडेंटल जो हर अः uh, डुअलिटी को कंट्रोल करता है इसे हम भागवत कहते हैं अलग अलग दिशाओं में पूरे दस दिशाओं में और वो है क्या हमारे अंदर का जो बीइंग है जब वो खुलता है जब वो द्वार खुलता है तो हमें पहले दो डायरेक्शन देखते हैं एक तो गहराई और एक उसकी ऊंचाई और फिर धीरे धीरे वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम अपने आसपास देखते हैं कि वो दायरा बढ़ता जा रहा है सिमिलरली वेन यू मेडिटेट तो उसमें होता क्या है कि जब हम हीलिंग में भी मेडिटेट करते हैं तो हम क्या करते हैं व्हाइट लाइट इज फ्लोइंग हम ये विजुअलाइज करते हैं कि हमारे क्राउंड चक्रा से वाइट लाइट हमारे अंदर आ रही है प्रवेश कर रही है और दूसरी चीज जब ग्राउंड करते हैं तो हम क्या विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पैरों से रूट्स निकल रहे हैं और वो इनर कोर तक जा रहे हैं अर्थ के तो हम भी क्या कर रहे हैं हम हाइट देख रहे हैं और हम डेप्थ देख रहे हैं अब धीरे धीरे जब वो लाइट हमें अपने अंदर से आने लग जाती है जब हमें लगता है कि हम इतने सक्षम हो गए कि वो लाइट हम एमिट कर पा रहे हैं तो वो लाइट एक्चुअली हमें दसों दिशाओं में फैली हुई दिखती है और उस समय ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी वो लाइट गिविंग या एनर्जी गिविंग बॉडी हो गई है जो हर तरफ एमिट कर रही है इेस्पेक्टिव ऑफ हु द पर्सन रिसीविंग इज तो एक बारी जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और आप आसपास देखते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे हर डायरेक्शन में खुलने लगती है पूरी दसों दिशाओं में और रोड क्या होती है रोड एक सिंगल होती है योर इनर सेल्फ तो अगर आप ये नया विजन देखे तो ये नया विजन है क्या कि आपके खुद के अंदर झांकना अभी अगर ये कार्ड आता है सपोज किसी की रीडिंग में आता है तो आप इसे कैसे कहेंगे सी न्यू कनेक्टिंग वन अगर रिलेशनशिप में आता है तो आसपास के कार्ड्स देखकर फिर आप उन्हें बताएंगे कि आपको अभी इसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि अपने अंदर झांकने का मतलब है कि रिलेशनशिप में वो हंड्रेड परसेंट नहीं आ पा रहा है या समथिंग इज विच नीड्स अटेंशन तो एक बारी जब अपने अंदर इंसान झांकता है तो वो चीज क्लैरिटी में आ जाती है सिमिलरली अगर ये करियर रिलेटेड होता है तो एक बारी को ये सवाल पूछना बनता है कि इज द परफेक्ट लाइन दैट द पर्सन वॉन्टेड हो सकता है वो किसी ऐसे करियर में स्टेप कर चुके हों जो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं था कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें उन्हें खुशी नहीं मिल रही है जो उनका पैशन नहीं है तो वन हैज टू टेक अ स्टेप बैक एंड देन रिफ्लेक्ट क्या ये सही है सो दिस इज द न्यू विजन एंड इट बिगिन फ्रॉम योर इनर सेल्फ राइट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कार्ड